जय श्री राम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हेलो कारिंडा पे आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले स्कॉर्पियो एंड ZL इंजन की बात करें तो इसमें हमें 2.2 लीटर का डीजल इंजन आता है जो 172 bhp और 400 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। अगर एक्स शोरूम की बात करें तो एक्स शोरूम अभी 1945,000 एक्स शोरूम पड़ रही है। ये ब्लैक कलर में काफ़ी बोल्ड लुक दे रही है इसकी। तो पहले हम एक ZL का 4x4 का वीडियो भी हम बना चुके हैं, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो उसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे, जाके एक बार वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फ्रंट में देखें तो यहाँ ये क्रोम एलिमेंट देखने को मिल जाती है। अगर ग्रिल की बात करें तो 6 स्लॉट वर्टिकल ग्रिल देखने को मिलती है क्रोम फिनिश के साथ। यहाँ पर हमें महिंद्रा की न्यू वाली लोगो ग्लॉसी फिनिश। कैमरा की फ्रंट कैमरा की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अब अगर हेडलैम्प सेटअप की बात करें तो हेडलैम्प सेटअप हमें इस तरह की मिलती है। प्रोजेक्टर में लो बीम और LED में हमें हाई बीम देखने को मिल जाती है। टर्न इंडिकेटर की बात करें तो फ्रंट में हमें मैट्रिक्स स्टाइल टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। अब अगर आगे बढ़ते अगर DRL की बात करें तो CCF DRL हमें देखने को मिलती है, साथ में LED प्रोजेक्टर फॉग लैम्प देखने को मिल जाता है। ये कॉर्नरिंग फंक्शन का भी काम करता है। अगर लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तो लेफ्ट वाली फॉग लैम्प जल जाएगी, अगर राइट टर्न कर रहे हैं तो राइट वाली फॉग लैम्प जल जाएगी। फ्रंट में हमें सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिल जाती है। हम बम्पर की बात करें तो ये मैट फिनिश में पूरी बम्पर मिल जाती है, काफ़ी अच्छी एयर सर्कुलेशन के साथ। साथ में फ्रंट में हमें दो पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाती है। अगर बम्पर डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी बोल्ड यहाँ पे इस शेप दी हुई है जो इसकी लुक को काफ़ी बोल्ड कर रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह की है। अगर सबसे पहले अगर हम इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें हमें 18 इंच का टायर मिल जाता है। अगर इसकी प्रोफाइल की बात करें तो 55/16 18 इंच की टायर प्रोफाइल मिल जाती है। अगर एलॉय व्हील की बात करें तो डायमंड कट एलॉय व्हील मिल जाती है। ऑल फोर डिस्क ब्रेक हमें इसमें देखने को मिलती है, यहाँ पर जो महिंद्रा की लोगो। यहाँ बॉडी ग्लाइडिंग हमें मैट में मिल जाती है। अगर ORVM की बात करें तो सेम बॉडी कलर्ड ORVM मिल जाती है टर्न इंडिकेटर के साथ। रिक्वेस्ट सेंसर को ड्राइवर साइड पे अवेलेबल है। कंपनी फिटेड फुटरेस्ट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हमें ब्लैक कलर बॉडी क्लाइडिंग देखने को मिल जाती है, साथ में सिल्वर कलर की स्किड प्लेट। टैंक की बात करें तो 57 लीटर का फुल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है डीजल यहाँ पे एड ब्लू के लिए। यहाँ पे हमें एड्रीनॉक्स की बैचिंग, साथ में फ्रंट में हमें रूफ रेल्स मिल जाती है। फ्रंट से क्रोम ट्रीटमेंट स्टार्ट होकर के यहाँ लास्ट होते हुए यहाँ एंड करती है। यहाँ पे हमें एल्ट्रीनॉक्स की बैचिंग देखने को मिल जाती है। ये हो गई इसकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल। अब आगे बता अगर हम इसकी रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह की है। हमें शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है, हाई स्टॉप माउंट लाइट, वाइपर डिफॉगर। रियर में भी हमें रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे न्यू महिंद्रा की लोगो। अगर रियर पार्किंग कैमरा की बात करें तो उसकी प्लेसमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे स्कॉर्पियो एन की बैचिंग देखने को मिल जाती है। टेल लैंप यूनिट की बात करें तो टेल लैंप यूनिट कुछ इस तरह की है। यहाँ से यौन होती है। यहाँ पे मैट्रिक्स स्टाइल इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे स्टॉप लैंप ये देखिए, टेल लैंप यूनिट यहाँ तक ही चलती है, कंपनी इसे यहाँ तक भी दे सकती है। ये हो गए इसकी कुछ ओवरऑल 360 व्यू। चलिए अब आगे बढ़ते हम इसके इंटीरियर को कवर करते हैं। उससे पहले अगर हम इसकी की बात करें तो नॉर्मल महिंद्रा की में टिपिकल वाली की मिल जाती है, लॉक अनलॉक और बूट रिलीज के साथ। ये फ्लिप की है। तो अभी की को अभी हम साइड पर रखते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी पूरे इंटीरियर डुअल टोन में आती है ब्लैक और ब्राउन कलर में। इस डोर ट्रिम की बात करें तो ये सारी हमें सॉफ्ट टच देखने को, ये सॉफ्ट टच है, ये हार्ड टच है। ये ग्रैब हैंडल सिल्वर फिनिश में, यहाँ पर डोर हैंडल हमें सिल्वर फिनिश में मिल जाती है। ये ग्लॉसी फिनिश पूरी। विंडो कंट्रोल्स यहाँ पे ORVM कंट्रोल से देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बोतल होल्डर। चलिए अब आगे बढ़ते इसकी इंटीरियर को कवर करते हैं। कंपनी फिटेड हमें फुटरेस्ट देखने को मिल जाती है। अगर सबसे पहले इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो पूरी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें देखने को मिल जाती है इसकी। यहाँ पे हमें RPM मीटर, यहाँ पे स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सारी इसकी डिस्टेंस टाइम एवरेज शो होगी। और यहाँ पे फ्यूल के लिए, यहाँ पे एडब्लू के लिए मिल जाती है। यहाँ पे इंजन लाइट्स बैटरी लाइट हमें शो हो रही है, ये इंडिकेटर के लिए। अब अगर हम इसकी स्टेयरिंग की बात करें, टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलती। यहाँ पे न्यू महिंद्रा की लोगो। यहाँ पे इसके मीडिया कंट्रोल्स और कॉल्स कंट्रोल्स मिल जाती है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
ये हल्का डी शेप स्टीयरिंग देखने को मिलता है, यहाँ पे सिल्वर फिनिश, साथ में ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है। अब अगर इसकी इंस्ट्रूमेंट क्लचर की बात करें तो 9 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लचर मिलती है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ, बट अभी इसमें फ़िलहाल एंड्रॉयड ऑटो ही है। कुछ अपडेट्स के बाद इस कंपनी इसमें हमें एप्पल कारप्ले भी दे देगी। 9 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम है एडनॉक्स के साथ है। अगर इसके ग्लब बॉक्स की बात करें तो इसमें हमें कूल्ड ग्लब बॉक्स देखने को मिलती है एक एलईडी लाइट्स के साथ। यहाँ पे स्कॉर्पियोन की बैचिंग, वर्टिकल में हमें इसकी एसी वेंट्स मिल जाती है। इसे स्टार्ट होकर के लास्ट यहाँ तक एंड होती है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, ये ऑटोमेटिक है। पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड हमें देखने को मिल जाता है। अगर बात करें इसकी तो यहाँ पे हमें दो चार्जिंग सॉकेट और एक यूएसबी मिल जाता है। साथ में हमें इसमें पैसेंजर्स एयर बैग्स ऑन ऑफ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो यहाँ पे शो हो रही है। अब अगर इसकी डैशबोर्ड की बात करें तो ये सारी सॉफ्ट टच हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें सोनी के सबवूफर की प्लेसमेंट दी हुई है। अगर आईआरवीएम की बात करें तो नॉर्मल हमें मैनुअल एडजस्टेबल आईआरवीएम देखने को मिलता है वो केबिन लाइट के साथ, ये दोनों एलईडी में हमें देखने को मिल जाती है। अगर सन वाइजर की बात करें तो वैनिटी मिरर के साथ आती है, साथ में एलईडी लाइट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ग्रैब हैंडल, यहाँ पर ट्विटर का प्लेसमेंट, इसमें टोटल 12 स्पीकर और ट्विटर का सेटअप दी हुई है सोनी की 3D साउंड में। ये रेदर लैप स्टेयरिंग देखने को मिलता है, यहाँ पे भी हमें कुछ स्पेस देखने को मिल जाती है। अगर आर्मरेस्ट की बात करें तो आर्मरेस्ट कुछ इतनी स्पेस के साथ आती है, दो फ्रंट में दो कप होल्डर। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में अभी मेरे अकॉर्डिंग दो कमी है, एक ऑटो डिमिंग आईआरवीएम की और एक वेंटिलेटेड सीट्स की, जो अभी कंपनी इसमें नहीं दे रही है, बट कुछ अपडेट्स के बाद ये भी फीचर्स इसमें हमें देखने को मिल सकता है। अगर बटन्स की बात करें तो यहाँ पे हजार्ड लाइट के लिए, यहाँ पे ट्रैक्शन, यहाँ पे ड्राइव मोड्स हमें देखने को मिल जाता है। अब अगर हम इसकी सीटिंग की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट मिल जाती है। अगर हम इसके रियर रो की बात करें तो सेकेंड रो में भी हमें काफ़ी अच्छी स्पेस मिल जाती है। ये हालांकि 7 सीटर में है, अगर 6 सीटर में हमें कैप्टन सीट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे तो ये सेम एज इट इज़ देखने को मिलता है, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, बोतल होल्डर, स्पीकर ग्रिल, फुटरेस्ट, ग्रैब हैंडल यहाँ पे हमें दी हुई है ऊपर की साइड। अगर सेकेंड रो की बात करें तो सेकेंड रो में हमें आर्मरेस्ट मिल जाता है कप होल्डर के साथ, यहाँ पे एसी वेंट्स, यहाँ पे एक सी टाइप सी चार्जर देखने को मिल जाता है, एसी की कंट्रोल हमें रियर में भी देखने को मिल जाती है सेकेंड रो में, ग्रैब हैंडल, रियर में भी एक एलईडी लाइट्स देखने को मिल जाती है इसकी, साथ में ये पूरी लेदर अपॉल्सरी है जो इसकी लुक को और भी एनहांस कर रही है। रियर में हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलता है, थर्ड रूम में भी हमें दो लाइट्स देखने को मिल जाती है। अगर बात करें कंफर्ट की तो ये सीट अभी मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है, जिसके बाद काफ़ी अच्छी हमें नी रूम और हेड रूम देखने को मिलता है। यहाँ पे एक बम्प दी हुई है जो काफ़ी छोटी सी है, आराम से पीछे की साइड हम तीन पैसेंजर को कंफर्टेबली बैठा सकते हैं। चलिए अब अगर हम इसकी थर्ड रो की बात करें, हम इसकी थर्ड रो की बात करें तो वन टच में ये फोल्ड हो जाती है, जिसके बाद हम आराम से अंदर जाकर के बैठ सकते हैं। चलिए अब इसकी थर्ड रो की स्पेस की बात करते हैं। ड्रो अभी मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच, जिसके बाद हम देख सकते हैं कुछ इस तरह के बैठ सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबली तो नहीं बट आराम से हम दो बच्चे को बैठा सकते हैं। रियर में हमें कोई भी एसी वेंट्स नहीं मिलता है, यहाँ पे कुछ स्पेस, हालांकि यहाँ स्पीकर की ग्रिल यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ग्रैब हैंडल, रियर में एलईडी में लाइट मिल जाती है। अब अगर हम इसे फोल्ड करना है पीछे से तो वन टच में ही ये फोल्ड हो जाती है, वन टच में फोल्ड हो गई। अब चलिए अब इसकी हम बूट की बात करते हैं। बूट में हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है। ये बूट अगर थर्ड रो फोल्ड कर दे तो इसमें हमें लगभग अप्रोक्स 450 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है।
यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टड्स देखने को मिल जाती है। अगर नॉर्मल क्लासिक की बात करें तो वहाँ पे हमें कोई भी प्लास्टिक पार्ट्स देखने को नहीं मिलता, बट स्कॉर्पियन को लग्जरी के लिए बनाया गया, जिसके बाद इसमें पूरी प्लास्टिक कवर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे वाइट फिनिश, ये हाइड्रोलिक स्टड्स काफ़ी इस सेगमेंट की गाड़ी में नहीं मिलते, बट हमें स्कॉर्पियन में देखने को मिल जा रही है। ये बूट को अभी हम फिलहाल क्लोज करते हैं। अब अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इंजन को हम यहां से ओपन कर सकते हैं। इंजन की बात करें तो 2.2 लीटर का एमहॉक डीजल इंजन मिल जाता है, जो 172 bhp और 400 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। नॉर्मल क्लासिक में अगर देखें तो हमें बोनट्स में हाइड्रोलिक स्टड्स देखने को मिलती है, बट स्कॉर्पियन में ये चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती है। मैट्रिक्स स्टाइल टर्न इंडिकेटर। ये हो गई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की ओवरऑल रिव्यू। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपको अगली बार कौन सी इसकी रिव्यू चाहिए वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नए फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।